दोस्तों, अगर आपके सपनों में सांप दिखाई देता है, ये शुभ लक्षण नहीं होते। दोस्तों, सपनों की दुनिया एक रहस्यमय दुनिया मानी जाती है। सपने कई प्रकार के होते हैं। ऐसे में सपनों में सांप देखना भी बहुत कुछ इशारा करता है। वेद पुराणों के अनुसार सांप को बुरी शक्तियों का प्रतीक माना गया है। यदि आपको सपनों में सांप दिखाई देता है तो समझ लीजिए, भविष्य में आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं या आपके साथ कुछ भयानक दुर्घटना घट सकती है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के सपनों में सांप दिखाई देता है तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए। सपनों में सांप यूं ही किसी के नहीं आता। जब सपनों में सांप आ जाए तो ये उपाय भी जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सपनों में सांप द्वारा काटने का मतलब। यदि आपको भी ऐसा सपना दिखाई देता है तो ये चिंता का विषय हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि आप किसी भयानक बीमारी की चपेट में आने वाले हैं या आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आप सतर्क रहें और कोई भी गलत कार्य ना करें। दोस्तों, नंबर 2, सपनों में बड़ा सांप देखना। सपनों में बड़ा सांप देखना अच्छा नहीं माना जाता। इसका तात्पर्य है, सपना देखने वाले का जीवन संकट में है, जल्द उसकी बर्बादी हो सकती है। आप खुद को नाक से घिरे हुए देखें और संघर्ष के बाद आपने उस सांप को मार दिया है तो इसका मतलब है कि परेशानी अब टल गई है। दोस्तों, नंबर 3, सपनों में सांप का रंग। सपनों में सांप का अलग अलग रंग भी कुछ ना कुछ इशारा करता है। यदि आप सपनों में सांप को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं या आपको रास्ते में काला सांप दिखे तो समझना चाहिए कि व्यक्ति के काम काज में कोई रुकावट ला रहा है। आपके सभी कार्य विफल हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4, सपनों में सांप को मारना। यदि आप खुद सांप को मारने का सपना देखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। इसका मतलब है, निकट भविष्य में आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5, सपनों में नाग नागिन का दिखाई देना। सपनों में नाग नागिन अगर दिखाई दे तो इसे देखकर बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। सपनों में नाग नागिन देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। नाग नागिन का जोड़ा देखना पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। दोस्तों, नंबर 6, सांप नेबले की लड़ाई। सपनों में सांप और नेबले की लड़ाई देखना शुभ नहीं माना जाता। यदि आपको दोनों की लड़ाई दिखाई दे तो समझ लीजिए, आपको किसी कारणवश कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सांपों का झगड़ा देखना भी शुभ लक्षण नहीं होते। दोस्तों, जरूरी जानकारी, सांप के सपने बार बार आना शुभ नहीं माने जाते। ऐसी अवस्था में आपको नाग पंचमी के दिन थोड़ा सा नाग को दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से नागों के राजा आपको हर बुरी बला से बचा लेते हैं और आपको बुरे सपने भी नहीं आते। अगर नाग पंचमी ना हो तो किसी माटी में थोड़ा सा दूध डालकर सांपों के राजा नागराज के नाम से दूध और माटी के प्याले में जल रखकर आपको आ जाना है। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती, बल्कि नाग देवता आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ आपकी सभी परेशानी को दूर करे। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।